आए राजवीर और शौर्य। होगा अंशुमन का खुलासा। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में लूथरा हाउस में पार्टी तो हो रही है, लेकिन प्रीता ने फैसला कर लिया है कि वो लूथरा हाउस को अंशुमन के हाथों जाने नहीं देगी। ऐसे में अंशुमन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रीता का साथ न सिर्फ राजवीर दे रहा है, बल्कि शौर्य ने भी राजवीर और प्रीता से हाथ मिला लिया है। और ये नजारा दूर खड़ा करण और राखी देख रहे हैं और हो रहे हैं इमोशनल, क्योंकि उनका परिवार एक हो रहा है। अभी प्रीता का जैसे प्रो और एंटी काफ़ी, अभी घर के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो ऑब्वियसली टू कन्विंस एवरीबॉडी कि हाँ भाई प्रीता इज़ अ रियल पॉजिटिव फैक्टर, प्रीता अच्छी है, प्रीता परिवार के लिए करती है, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू स्टैम्प ऑन अ कैरेक्टर कि हाँ भाई नहीं, वो जो भी उसके अगेंस्ट सोच रहे हैं वो ऐसा वाला ना सोचें, और ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग टू डू एंटायरली फॉर द फैमिली, तो जो भी चल रहा है वो परिवार के लिए ही होगा। फिर यहाँ प्रीता अपने पूरे परिवार के साथ है, तो वहाँ पार्टी में अंशुमन करण को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में करण को गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा। इसी बीच वहाँ पर आ जाते हैं करण के पापा महेश, जो अंशुमन को अपनी बातों से समझाने की कोशिश करते हैं। तो तुमको डराने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते, रही बात तमीज की, तो तुम बच्चों से क्या तमीज एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं खुद देख, कब से बदतमीजी पर बदतमीजी किए चले जा रहे हैं। महेश जी, आप क्यों बच्चों की वकालत कर रहे हैं? आपने तो सिर्फ अपने कानों से सुना है, उनको बदतमीजी करते हुए आंखों से नहीं देखा। तो आई एम वार्निंग यू गाइस, अगर इस बार उन लोगों ने मेरे साथ कोई भी खेल खेला या मेरे साथ बदतमीजी करी, तो मैं उनको ऐसा फंसाऊंगा कि वो अगले दिन का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएंगे। बेसिकली टेक ओवर करने के लिए आया हुआ है ये जो अंशुमन पांडे है, और हम टेक ओवर होने दे रहे हैं, मगर कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर, जो अभी मुझे भी नहीं पता है कि क्या है, जहां पर हम इस डील को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ ना हो। तो वही है कि अब धीरे धीरे कुछ कई अलग अलग लोग उससे लड़ रहे हैं, कई अलग अलग लोग उससे अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। सो जो भी अभी टेक ओवर का चल रहा है, अभी पूरे का पूरा बिजनेस वेंचर्स टेक ओवर, पूरा जो भी अब तक का इनका बिजनेस है, घर है, सब कुछ टेक ओवर करके इनको बाहर फेंक देना चाहता है। अब देखना होगा कि ये अंशुमन का आतंक कब तक लूथरा हाउस में रहेगा। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट का चश्मा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।